खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां गोगा मेड़ी गांव में गोगा जी महाराज के मंदिर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताने की आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा विधायक संजीव बेनीवाल द्वारा दीपोत्सव कर किया गया है। साथ ही देवस्थान विभाग की ओर से मंदिर में आकर्षक सजावट और साज सज्जा कर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं गोगा मेड़ी के पूर्व सरपंच मंगू सिंह राठौड़ ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गोगा जी के धाम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सुंदरकांड पाठ, श्री राम स्तुति के श्लोकों का वाचन शामिल है। साथ ही आज शाम को मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में 2100 दीपों का वितरण कर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। हनुमानगढ़ से राज रतन पारिक की रिपोर्ट। तो इस मौके पर गोगा जी के पवित्र धाम गोगा जी के मंदिर में यहाँ सभी इलाकावासियों ने इकट्ठा होकर के इसमें हम सबको प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर को एक तरह से गाइड करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर गोगा मेड़ी मंदिर परिसर में कल से सुंदरकांड पाठ चल रहा था। आज सुबह हवन पूजा कर विधि विधान से भंडारे की शुरुआत की गई है। इसके अलावा गोगा जी मंदिर की सजावट की गई है। आज शाम को 2100 दीप प्रज्वलित कर दीप दान किए जाएंगे। शाम को पूरे मंदिर की दोबारा भी साफ सफाई और सजावट करेंगे। ये कार्य सब निजी स्तर पर यहाँ के क्षेत्रवासी दुकानदार और ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है।